લાયન્સ ક્લબ ઓફ સિલવાસા દ્વારા યુવાધન દ્વારા આત્મહત્યાના બનાવો અટકાવવાના પ્રયાસ રૂપે સિલવાસ ટાઉન હોલ ખાતે લવ યુ જિંદગીનો કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. સંઘ પ્રદેશમાં યુવાનો દ્વારા આત્મહત્યા કરવાના બનાવો બની રહ્યા છે, જ્યારે મોટી ઉંમરના વ્યક્તિઓ પણ તણાવના કારણે આપઘાત કરી રહ્યા છે. આવા આપઘાતના બનાવોને અટકાવવાના ભાગરૂપે લાયન્સ ક્લબ ઓફ સિલવાસા દ્વારા ટાઉન હોલ ખાતે લવ યુ જિંદગીનો કાર્યક્રમ યોજવામાં આવ્યો હતો, જેમાં વક્તાઓ દ્વારા જીવનને કેવી રીતે માણવું અને સંઘર્ષ આવે તો ડિપ્રેશનમાં નહીં આવી પોઝિટિવ વિચારો મનમાં લાવી નેગેટિવિટીથી દૂર રહેવાના વિષય પર માર્ગદર્શન આપ્યું હતું. જ્યારે અમૂલ્ય જિંદગી આપવું અને લેવું એ ભગવાનનું કામ છે અને માનવીનું કામ જિંદગીને ભરપૂર આનંદથી જીવવાનું છે. આ વિષય ઉપર વક્તાઓ દ્વારા સકારાત્મક દ્રષ્ટિકોણનો પ્રચાર અને સામાજિક ચેતના જગાવવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો હતો. જ્યારે આ કાર્યક્રમમાં યોજાયેલ વિચાર ગોષ્ઠીમાં પણ મનોચિકિત્સક લાવણ્યા પટેલ દ્વારા લોકોના પ્રશ્નો સાંભળી તેનો ઉકેલ કેવી રીતે લાવી શકાય તેના જવાબો આપ્યા હતા. આ કાર્યક્રમને લાયન્સ ક્લબ સિલવાસાના હોદ્દેદારોએ ભારે જહેમત ઉઠાવી સફળ બનાવ્યો હતો. થોડા વિલંબ છે, લેકિન હમારે બીચ મેં હમારે બહુત વિષય કિસી ભી હાલ મેં વિવેક કે તર્ક જિસકે ભીતર આપ હૈ એક આત્મા કે રૂપ મેં વો આપકો ઈશ્વર કી ઓર સે ગિફ્ટ મિશન પે કામ કરેગા. इसका मतलब इस दुनिया में खुद को पावरफुल बनाना कितना इम्पोर्टेंट है. अब मैं या तो मेरे पास 24 घंटे में से अपने बच्चे को टाइम दूं तो पढ़ पढ़ पढ़, या पति को समझो कि दारू मत पियो. इस पे टोटल वर्क करना बहुत इम्पोर्टेंट है. इसलिए सुबह उठते साथ सबसे पहला काम है. यदि आपके नोटिस में आता है कि अपने ही घर का, अपने ही आसपास या अपने पहचान वाला कोई डिप्रेशन के फेज में चल रहा है, बहुत अकेलापन महसूस कर रहा है, तो सबसे पहला कि परिवार वाले उसको एक पल के लिए भी अकेला ना छोड़े. नंबर टू, उसके साथ बोल बोल ना करें, उसके साथ सांत्वना रखें, उसका साथ दें ताकि वो इतना कंफर्टेबल हो सके कि वो अपने दिल की बात बोले. क्योंकि जब वो दिल की बात बोलेगा तो आप उसको समाधान तक लेके जाएंगे. इसलिए उसके साथ शांत रहना बहुत इंपॉर्टेंट है. और नंबर थ्री, किसी कंडीशन में ऐसा होता है जो टीनेजर्स होते हैं या थोड़े से बड़े होते हैं, एडल्ट होते हैं, जो अपनी प्रॉब्लम किसी से शेयर ही नहीं करते और फिर भी आपको ऐसा दिखता है, तब फिर उसमें साइकोलॉजिस्ट की, साइकेट्रिस्ट की मदद बहुत इंपॉर्टेंट है. क्योंकि यदि हमारे सामने हमारे जानते हुए कोई डिप्रेशन में और वो इसे अटेम्प्ट कर रहा है तो उसके अपराध में हमारा बराबर का भागीदारी है. यदि हम सब मिलकर ये उत्तरदायित्व लें कि ना हम इस तरह के घटिया विचारों को पैदा करेंगे, और यदि हमारे साथ वाले कोई मजबूर हैं और इस अवस्था से नहीं निकल रहे तो हमारी ड्यूटी है एक जीवन को बचाना, और उतना पुण्य तो हम कमा ही सकते. आज का ये कार्यक्रम हम लोगों ने इसी मकसद से रखा था कि किसी के भी विचार जीवन में, मन में ये विचार ना आए कि मैं अपने जीवन को समाप्त करूं. जिंदगी एक सजा ना लेके मजा समझे और जिंदगी को प्यार करे. दूसरी बात है कि जब भी कोई इंसान समस्याओं में घिरता है तो वो समस्याओं को किसी से शेयर करे, आत्मचिंतन करे, पहले अपने आप की सोचे और पीछे परिवार की सोचे. लायंस क्लब ऑफ सिलवासा का इस प्रोग्राम का बेसिक मकसद यही था कि सभी अपने जीवन से प्यार करें और ये मैसेज स्प्रेड करें कि यहाँ अगर आज 400-500 लोगों, सैकड़ों लोग आए तो वो आगे जाकर 5-10 लोगों में जब मैसेज स्प्रेड करेंगे कि इस तरह से करना है, तो इस बात से अगर कुछ भी बेनिफिट मिलता है, एक या दो जिंदगियों को भी इस बात से फायदा होता है, तो हम समझेंगे कि लायंस क्लब ऑफ सिलवासा का ये मकसद पूरा हुआ. आज के पैनल में हमारे ऑरलैंडो साहब थे जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं, जो क्रिमिनल केसेस डील करते हैं, महाजन जी जो यहाँ पे 30 वर्ष से पुलिस में कार्यरत हैं, ब्रह्म कुमारी जी से सुरेखा दीदी आई थी जो एक स्पिरिचुअल संस्थान है, आर्ट ऑफ लिविंग से आशा देसाई आई थी, सेकेंडली मालविका मैडम जो मेरे बगल में बैठी हैं, ये प्रभात स्कॉलर्स एकेडमी की वाइस प्रिंसिपल हैं, और डॉक्टर नूतन बर्वे जो सर्जन और दादरा नगर हवेली की ही रहवासी हैं और सालों से यहाँ पे वो गायनाकोलॉजी और सर्जरी का काम कर रही हैं, डॉक्टर हैं. लावण्या पटेल जी, जिनके मैं परिचय के लिए कोई भी उनका परिचय शब्दों का मोहताज नहीं है. पत्रकार बंधुओं में से धर्मेश पांड्या जी जो भी यहाँ के फ्रीडम फाइटर जी के बेटे हैं और हमेशा से पत्रकारी के अलावा समाज सेवा से जुड़े हुए हैं, ऐसे पैनल को हमने यहाँ रखा. डॉक्टर पर्वतराज तांबड़े जिन्होंने कम से कम 10 साल
दादरा नगर हवेली में सुसाइड केसेस कैसे हो रहे हैं उसके ऊपर रिसर्च और स्टडी किया है। ये आज का हमारा पैनल था और इनसे संगोष्ठी हुई। उम्मीद है कि इस संगोष्ठी का लोगों को लाभ मिला।